हेलो दोस्तों, इस मकर संक्रांति हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम डिलीशियस मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट सॉफ्ट पीनट शीशम सीड्स हार्ट शेप स्वीट रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। आप सभी दोस्तों को रुचि फ्रेश परिवार की तरफ से मकर संक्रांति या लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बनाते हैं ये डिलीशियस हर्ट शेप मुंह में घुल जाने वाली स्वीट रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है। इसको बनाने के लिए जिन सामानों का यूज किया है सबसे पहले उसे बताएंगे। तो इसको बनाने के लिए यूज करेंगे, ये हमने लिया है नारियल का बुरादा, छोटी इलायची क्रश करके, बटर, बादाम, सफेद तेल, मूंगफली के दाने और चीनी। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मूंगफली और सफेद तिल को रोस्ट करना है। इसे भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। गैस पर पैन चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर लेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले डालिए सफेद तिल और इसे मात्र फूलने तक ही इसे भूनिएगा। बस ये सभी दाने फूल जाएं, बहुत ही जल्दी हो जाता है, मात्र एक ही मिनट लगता है इसे फूलने में। इसे जल्दी जल्दी कंटिन्यूसली चलाएं, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देख पा रहे हैं इसका रंग चेंज हो गया है, यानी कि ये भुन चुका है। चलिए फ्रेंड्स, इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से हो चुका है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। गैस चलिए अब उसी पैन में मूंगफली को डालिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यूअसली भूनिए। जो खराब दाने हो उसे निकाल लीजिएगा। फ्लेम लो टू मीडियम रखा हुआ है। चलिए अब इसे भी चलाते हुए कंटिन्यूअसली चलाएंगे और लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे जब तक कि इसके जो छिलके हैं उतरने ना लगे। ये भी मतलब फूट फूट के दो भागों में बट जाते हैं कुछ दानों को देखेंगे तो, लास्ट में जब ये अंदर से पक जाते हैं तो ये दो भागों में हो जाते हैं। ये दिख पा रहे हैं हल्के हल्के रोस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा और, फ्लेम लो टू मीडियम ही रखा हुआ है, ज्यादा तेज मत करिएगा नहीं तो ये जल जाएगा। ये दिख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से दबा दबा कर थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। चलिए कुछ दानों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गए हैं, यानी कि चलिए अब फ्लेम बंद कर देंगे, गैस बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलकों को उतार लेंगे। चलिए इसे ठंडा करने के लिए किसी थाली में निकाल लेते हैं। इसे एक थाली में ट्रांसफर कर लिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसमें फैला कर 10 मिनट रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए, इसके तब छिलके अच्छी तरीके से उतर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है इस तरीके से। जब ये ठंडा हो जाएगा इस तरीके से इसमें हाथ लगाकर दोनों हाथों के बीच में रगड़ लीजिए तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे सभी को निकाल ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी को इस तरीके से दरदरा कर लिया है। अब इस तरीके से करते हुए इसको सारे छिलकों को निकाल लेंगे। ये हमने सारे छिलकों को निकाल कर इसे क्लीन कर लिया, ये देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड करना है आपको। इसे बारीक पीस लेते हैं। मिक्सर जार को आपको दो दो तीन तीन बार करके ही पीसना है। ये देख पा रहे हैं एकदम पाउडर की तरह हो गया। इसे कंटिन्यूअसली मत चलाइएगा वरना ये पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा बंद करके फिर चलाते हैं। अब चलिए इसी तरीके से शीशम सीड्स को भी पीस लेते हैं, यानी सफेद तिल। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी बारीक पीस लिया है। चलिए इसे भी किसी बाउल में निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से इसे बारीक थोड़ा क्रश कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर दो भाग मूंगफली है तो एक भाग आपका सफेद तिल रहेगा। ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसमें दो भाग मूंगफली और एक भाग सफेद तिल। तो चलिए अब इसमें चीनी ऐड कीजिए। 250 ग्राम मूंगफली था तो ये लगभग 200 ग्राम चीनी लिया हुआ है, क्योंकि सफेद तिल भी है 100 ग्राम, तो चीनी हम 200 ग्राम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। चलिए अब इसमें आधा कप पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं इसको। इसकी एक चाशनी बनानी है, ज्यादा कड़ी चाशनी नहीं बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप इसमें ऐड कीजिए बटर
और छोटी इलायची क्रश्ड करके, चार छोटी इलायची लिया हुआ है इसे क्रश्ड करके इसमें डाल देंगे। बटर डालने के बाद जब ये खौलने लगे तो इसे चेक करते हैं। अभी थोड़ा और, एक तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के तार आ रहे हैं, चिपचिपा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इसे कड़ी चाशनी नहीं लेंगे। चलिए इस तरीके से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ये देखिए, या अब परफेक्ट है, अब अच्छी तरीके से ये हो चुका है जिसमें काफ़ी अच्छे बबल्स आने लगे। चलिए अब फ्रेंड्स फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे उतार लेते हैं नीचे, और इसमें अब सभी चीज़ें ऐड करेंगे। जो शीशम सीड्स पीस कर रखा हुआ है उसे डालिए, और उसके बाद ऐड कीजिए ये मूंगफली का जो बनाया हुआ है पाउडर, थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं। चलिए अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और काफ़ी देर तक चलाते रहिए जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। बहुत ही डिलीशियस, मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी बनकर तैयार होगी। इसे इस तरीके से चलाते चलाते गाढ़ा करेंगे। एक प्लास्टिक शीट को तैयार कर ले, उस पर ऑयल लगा लीजिए। प्लास्टिक शीट पर ऑयल लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो रहा है। इसे इस तरीके से लगातार चलाइए। जब ये थोड़ा लगे कि थिक हो रहा है तब इसे प्लास्टिक शीट पर आप फैला लेते हैं। ये देखिए, इसे प्लास्टिक शीट पर फैला लिया। प्लास्टिक शीट पर ऑयल लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, नहीं तो ये उसी में चिपका रहेगा। चलिए अब इस पर भी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसे जब ये एकदम ड्राई होने लगेगा तब हाथों से मसलेंगे, उससे ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा, खस्ता बनेगा। ये देखिए, अभी जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे ये और ड्राई होता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे दूसरी प्लास्टिक शीट पर ट्रांसफर किया हुआ है। अब देखिए इस तरीके से दूसरी प्लास्टिक शीट पर भी ऑयल लगाकर इस तरीके से मसल लेंगे। ये देखिए, इसे आप इजीली अच्छी तरीके से बेलन से बेल सकते हैं, जैसे काजू कतली बेलते हैं उसी तरीके से इसे भी बेल लेंगे। ये देख पा रहे हैं कितना अच्छा डो बनके तैयार हुआ है। चलिए अब इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखकर इसे बेल लेते हैं। आप डायरेक्ट भी इसे बेल सकते हैं, तो चलिए हम बेलन में भी ऑयल लगाकर इसे डायरेक्ट बेल लेते हैं। प्लास्टिक शीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बेलन में नहीं चिपकेगा। ये इस तरीके से डो को रखकर बेलन में ऑयल लगाकर इसे पतला सा बेल लेते हैं। जितना मोटा पतला आप करना चाहें उतना मोटा पतला आप बेल सकते हैं, तो इसे आधा इंच मोटा इसे बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर ढेरों रेसिपी बनती है, मीठी मीठी, गुड़ की, तिल की, मूंगफली की और भी कई तरह की, तो हमने भी कई तरीके की रेसिपी बनाई हुई है। उन सबकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनको भी सर्च करके देखिए। बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस बनी हुई हैं मकर संक्रांति पर, आप उनको बनाकर अपनों को खुश कर सकते हैं। खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। इस तरीके से एक पतली शीट तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे आप चाहे जिस शेप में कट करना चाहें उस शेप में कट कर लीजिएगा। इसके ऊपर ये नारियल का बुरादा लगा देते हैं। नारियल का बुरादा लगाने के बाद अब इसमें मूंगफली के पीसेस लगाएंगे। तो चलिए अभी मूंगफली के पीसेस नहीं लगाते, पहले हल्का सा ये जो लगाया हुआ है गरी इसके ऊपर हल्का सा बेलन चला देते हैं ताकि एक दूसरे में चिपक जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये दिल शेप लिया है तो इसी दिल शेप से हम इसे कट कर ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हर्ट शेप थोड़ा देखने में आकर्षक लगता है इसलिए हम इसे हर्ट शेप में कट कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ डो रहेगा उससे फिर से बेल कर उसे फिर से हर्ट शेप में ही कट कर लेंगे। ये इजिली आपका इस पर बेलन चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पे आप जो खिचड़ी बनती है वो भी उड़द की दाल की बनती है, उसे भी आपको हम एक बार बनाकर दिखाएंगे, इस बार नहीं अगली बार। ये देखिए, सभी के ऊपर ये एक एक बादाम अप्लाई कर देते हैं, देखने में थोड़ा आकर्षक लगेगा। बादाम को लगाने के बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये निकले नहीं।
बाकी जो बचा हुआ किनारे किनारे से निकला हुआ डो है उसे भी डो फॉर्म में बनाकर उसे भी हार्ट शेप में कट कर लीजिएगा ताकि ये देखने में आकर्षक लगे। तो इसे भी ऊपर से बादाम लगा देते हैं। ये जितना भी इजीली निकल आएगा, जो बाकी बचा हुआ डो रहेगा उसे आप शेप दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखने में लग रहा है ना आकर्षक, ये मूंगफली और तिल का बना हुआ स्वीट। इसी तरीके से सभी को निकाल लेंगे। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका डो कितना सॉफ्ट है, यानी कि ये देखने में ही लग रहा है कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सबको हम आपको सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। इसे आप इजीली घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी को निकाल लीजिए, निकाल कर सर्विंग प्लेट में सजा लीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम मलाई की तरह मुंह में एकदम घुल जाने वाला डिलीशियस मूंगफली और तिल का स्वीट बनकर रेडी है। ये देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, हम हर सैटरडे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये डिलीशियस होममेड मूंगफली और तिल का ये बर्फी कैसा बना और आपको खाने में कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।